नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय उबाल आया हुआ है। देर रात नेता और तमाम अभिनेताओं से संबंध रखने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एक नई चर्चा जो है, जो नई जंग है, वो छिड़ चुकी है। हमारे साथ सुशीबेन शाह, शिवसेना से प्रवक्ता, शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम एनएमएफ न्यूज पर आपका। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाना ठीक चुनाव से पहले, विपक्षी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वो बाबा सिद्दीकी जो कि सलमान खान के सबसे ज्यादा करीबी है, कई बड़े बड़े इवेंट्स में या फिर ये कहें कि उनके घर पर भी वो कई बार दिखाई दिए हैं। और सलमान खान ही नहीं बल्कि कई ऐसे अभिनेता हैं जिनके करियर में बाबा सिद्दीकी ने सहयोग किया है। कैसे देखती है आप इस पूरी हत्या को? नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोताओं को। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़ा कद्दावर नेता थे, बंबई के मंत्री रह चुके हैं, आमदार रह चुके हैं और मेरे सहयोगी भी रहे हैं। हमने 10-15 साल साथ में काम किया है, तो पूरे सिद्दीकी परिवार को हमारी श्रद्धांजलि, हार्ट फेल्ट श्रद्धांजलि। बहुत गलत हुआ और मुंबई ने एक अच्छा नेता आज खोया है। महायुति ने एक अच्छा नेता, एक सुलझा हुआ नेता खोया है। दूसरी बात जो हुआ, दिस वॉज नॉट द राइट वे। बाबा भाई को इस तरह जाने की हमें बड़ा दुख है, बड़ा खेद है और इसलिए आज जब उनको अंतिम संस्कार दिया जाएगा तो ऑल स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट ऑनर में उनको 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 उनका लास्ट राइट्स किए जाएंगे। तो ये जो दो जन ऑलरेडी आप जानते हैं गिरफ्तार हुए हैं, एक जन किधर है लेकिन हम पकड़ लेंगे। सीएम सर हमारे एकनाथ राव शिंदे साहब ने कहा है, हमारे प्रमुख नेता भी हैं, कि तुरंत और कड़क जांच हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इंक्वायरी सही तरीके से होगी और जो दोषी है उसको तुरंत पकड़ा जाएगा। लेकिन मैम बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हत्या हो जानी देर रात, ये लोग तीन जो हत्यारे हैं, शूटर्स जो हैं, वो ऑटो से उतरते हैं और कमज़ोर वक्त देखकर, ऐसा कहा जाता है कि जो कमज़ोर वक्त होता है, ये तीस दिन तक रैकी की थी जब पूछताछ हुई उनसे। और बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हत्या हो जानी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ये बात राजकीय मुद्दे उठाने की नहीं है। तीन लोग थे, दो पकड़े गए हैं। क्रिमिनल्स जो क्रिमिनल होते हैं, बम्बई एक बड़ा शहर है, बांद्रा एक, और ही वॉज अ पीपल्स पर्सन, यानी लोगों के साथ बहुत करीबी से बात, हमेशा उनका तालमेल रहा है, लोगों को मिलते थे, उनको कभी भी सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी। बाबा भाई और मैंने एटलीस्ट 15 साल साथ में काम किया है, तो ही वॉज अ पीपल्स पर्सन, इसीलिए एकदम क्लोज जाते थे। जब हमें पता चला, सरकार को पता चला कि कुछ सिक्योरिटी परसेप्शन है, तो भाई सिक्योरिटी भी उनको दी गई थी। वंस अगेन बहुत खराब हुआ, लेकिन उसमें पॉलिटिसाइज ना करें। पॉलिटिसाइज इश्यू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी एक कामयाब होम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक अच्छे प्रशासक है जिसके पर पुलिस का उनका पूरा ग्रिप होती है और तुरंत उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि इन्वेस्टिगेट हो और हम जरूर आरोपी को सामने लाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, सूत्रों से ये खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया गया है इसमें, कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये सदस्य थे, जेल में इनकी मुलाकात हुई थी, ये सूत्रों से खबर है। लेकिन किसका ऑर्डर था बाबा सिद्दीकी को मारने का, ये सबसे बड़ा सवाल है। बगीशा जी इन्वेस्टिगेशन होने दें, मैं और आप आपके आपके YouTube चैनल पर तो इतना ही नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम मुद्दा है और चूंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमें आपको अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी, हमारे होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ज़रूर मैं आपको वादा करती हूँ तुरंत इसके पर कार्रवाई होगी और जो दोषी है उसके पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया है, ये जो गैंग है, इनका जो साम्राज्य है, ये लोग दाऊद इब्राहिम जैसा साम्राज्य भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं, आप जानते हैं कि बड़ा गैंग वॉर का माहौल था,
दाऊद और आई डोंट नो, मुझे तो गैंग के नाम भी नहीं पता, उनके ऊपर जो बचक किसी ने बिठाया हो तो मुंबई पुलिस ने बिठाया था। इसलिए आप सारे लोग श्रोताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी कि किधर भी गैंग वॉर का रूप खड़ा हो या कोई भी ऐसी कोई करतूत हो या ऐसा कोई हमें लगे तो तुरंत उसके पर हम अपना काबू रखेंगे। और मुंबई हमेशा सुरक्षित है, मुंबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, सबसे ज्यादा सुरक्षित सिटी सिटी शहर जो कोई भारत में हो तो मुंबई है। आप सेफेस्ट सिटी मुंबई को बता रही है, लेकिन वीवीआईपी चेहरे की हत्या हो जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है। मैडम क्रिमिनल है, 1992 में ताज होटल में हल्ला हो गया था, ये बहुत आम क्रिमिनल बताए जा रहे हैं, बहुत आम क्रिमिनल बताए जा रहे हैं। उम्र भी नहीं है इनकी ज्यादा, 19 साल उम्र है, इनकी 21 साल उम्र है। नहीं, 2009 में भी जो हल्ला हुआ था साउथ मुंबई में हुआ था, ठीक है ना मैडम, वो भी बहुत एक और ताज होटल जैसे होटल में हुआ था हल्ला। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी उनकी जो शिद्दत होती है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड ही होती है। तो इसलिए मैडम क्राइम हुआ, बहुत गलत हुआ, बाबा भाई को ऐसा जाना नहीं चाहिए था, हमारी कॉन्डोलेंसेस, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने दे, इन्वेस्टिगेशन होने दे अच्छे। और एक जिन्होंने बाबा साहब ने पूरे स्टूडेंट्स यूनियन से काम चालू किया था और एक मंत्री की तरह उभरे थे और आगे भी उनकी बहुत कामयाब ऐसी कारकिर्दी रही होती, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ, खेद है। और मैं फिर एक बार श्रद्धांजलि देती हूँ हमारे पूरे सिद्दीकी परिवार को। सलमान खान की बेहद करीबी, बड़े बड़े इवेंट हो, त्यौहार हो, हमेशा दोनों साथ में दिखाई देते थे। और ये कहा जा रहा है कि सलमान खान के जो जो भी करीबी रहे हैं उन लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो टारगेट किया गया है बाबा सिद्दीकी को, क्योंकि अभी तो सलमान खान के ऊपर भी एक बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस मर्डर के बाद में। मैडम इन्वेस्टिगेशन होने दें, कुछ भी भाष्य करना बहुत गलत होगा। और सलमान खान हमारे बंबई की आन बान और शान है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री, पूरे देश की, पूरे 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 इंटरनेशनल उनकी एक पर्सनालिटी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि सलमान भाई का महायुति सरकार, जब तक महायुति सरकार में एक बाल भी बांका नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 सदस्य, अनमोल जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी, गोल्डी बराड जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, और एक और जो है रोहित जो इस पूरे गैंग का टॉप लीडर जो है, गुदारा जो है, इन तीनों को लेकर लगातार अफवाहें उड़ती आई है और लगातार ये बातें सामने आई है। जब जब भी ये मर्डर हुआ है, चाहे हम एपी ढिल्लन की बात करें, गिप्पी की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे मैं सलाह लेना चाहूंगी कि ये कनेक्टिविटी आपको कितनी दिखती है इस पूरे हत्या में। कनेक्शन होगा तो मुंबई पुलिस, महायुति सरकार ऊपर जरूर वचक बिठाएगी, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आता मैं इसके बारे में भाष्य करना नहीं चाहूंगी। आपको नहीं लगता मैम इलेक्शन से पहले कि नई जंग शुरू हो गई है कहीं ना कहीं, यदि इन्वेस्टिगेशन में कोई ढिलाई बढ़ती जाती, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है, आपकी कानून व्यवस्था पर आरोप लगा रही है। इलेक्शन इलेक्शन और ये एक मर्डर का कुछ कनेक्शन नहीं है। और मैं विनंती करूंगी आपके आपके माध्यम से सारे हमारे विपक्ष के नेताओं को कि ये बात पॉलिटिसाइज ना की जाए, जिसके जिसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है मुंबई पुलिस को बताएं। और बाबा सिद्दीकी एक एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, तो इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो इसके पर हमें ज्यादा भाषण नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये बाबा सिद्दीकी की अच्छा हुआ कि हत्या हो गई, कितने लोगों को लूटपाट, कितने की जमीनें हड़पी है, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया पर। वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, जैसे मैंने कहा बाबा सिद्दीकी जी बहुत साल बंबई में एक नेता रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन से लीडर से उभरे हैं। पर्सनल जब आपकी 25-30 साल की सक्सेसफुल कारकिर्दी हो, आई थिंक 4 टाइम एमएलए भी रहे हैं, तो शायद किसके मन दुख होते होंगे और शायद इसीलिए ट्वीट किया होगा, लेकिन एक अच्छे और कामयाब इंसान वो जरूर थे। लेकिन जंग तो शुरू होगी ना, 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं बाबा सिद्दीकी सुशीबन,
तो सवाल तो अपने आप में कई खड़े होते हैं कि ये कितने बड़े नेता की वीवीआईपी प्रोफाइल की हत्या हो जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। हत्या होनी गलत बात है, लेकिन मैं इसमें पोलिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। एक क्रिमिनल ने हत्या की है, कोई पॉलिटिकल वर्कर ने हत्या नहीं की है, यानी इट्स अ क्रिमिनल गैंग। और जैसे मैंने कहा, बम्बई पुलिस एक सक्षम ऐसी पुलिस फोर्स है, आई थिंक द बेस्ट आफ्टर इजराइल, तो उनका उनका काम करने दे। हमारे फडणवीस होम मिनिस्टर जी काबिल प्रशासक हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन होने दे। और सबसे अहम, हमारे चीफ मिनिस्टर पहले सुबह उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो, दो जन को गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन भी, चार्जशीट भी फुल प्रूफ फाइल की जाएगी और फिर हम आपके साथ फिर एक बार डिबेट में जुड़े। लेकिन सुशीलबेन बात तो वही ना, इन्वेस्टिगेशन करती करती पीढ़ियां गुजर जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का केस ही देख लीजिए, महायुति सरकार में ऐसा नहीं होता। महायुति सरकार में पीढ़ी ना पीढ़ी नहीं, आप कुछ भी लास्ट कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए, हमने तुरंत चार्जशीट फाइल की है और रूल ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। बगीचा जी, सुशांत सिंह राजपूत के समय भी आप थे? नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की बात, वो बात मैं, इट इज इसको इतना मीडिया ने और पॉलिटिकल इंसिडेंट्स में इतना वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो उसके बारे में ना बोलना ही बेटर रहेगा। लेकिन एज फार एज बाबा भाई इज कंसर्न, उनको न्याय जरूर मिलेगा और स्विफ्ट और श्योरली उसको न्याय हम जरूर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीलबेन। तो एक बड़ी चर्चा जो है, जंग है चर्चा की, वो शुरू हो गई, महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। आप लोग इस वीडियो, इस पूरी हत्या को कैसे देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।